हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 जून से 14 जून के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं करंट अफेयर्स के, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले के बाकी के करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखा है, जो हम लोग वीकली बेसिस पे करते हैं, तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो एक साथ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाता है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित की गई है। एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया, उत्तराखंड के मसूरी में इसका आयोजन किया गया। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में नक्षत्र सभा नाम से अपनी तरह की पहली एस्ट्रो टूरिज्म आयोजित किया है, तो इसको याद रखेंगे। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 जो है वो मनाया गया। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम्स में भी कई बार रिपीट होता है। तो सही आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी, 7 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभयारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया, रामसर सूची में शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, नागी नकटी बिहार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। और इसी के साथ भारत में टोटल अभी फिलहाल में 82 रामसर जो कि स्थल हो चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये आपका कहाँ पड़ता है? बिहार के जमुई जिले में स्थित है, ठीक है, नागी नकटी बिहार के जमुई जिले में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन अनथिंकेबल का संबंध किससे है, किस देश से है? चर्चा में रहे ऑपरेशन अनथिंकेबल का संबंध किस देश से है? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, रूस के साथ संबंध होता है ऑपरेशन अनथिंकेबल। हाल ही में प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? प्रवाह सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया है? तो इसरो के द्वारा ये विकसित किया गया, प्रवाह सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्रवाह एक सॉफ्टवेयर उपकरण है जिसे विशेष रूप से परीक्षण परीक्षण वाहनों और पंख युक्त तथा बिना पंख युक्त यानी विंग्ड और अनविंग्ड जो परीक्षण वाहन है, उन पुनः प्रवेश वाहनों जैसे एरोस्पेस वाहनों के वायु गतिकी की एवं ऊष्मा गतिकी के विश्लेषण करने के लिए डिज़ाइन किया गया प्रवाह सॉफ्टवेयर को, इसरो ने इसको लॉन्च किया। हाल ही में दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हमारा जो आप अगर नोट्स वाला करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन पे जाकर के ई बुक वाले सेक्शन में से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसमें हम डेली बेसिस पे लिखते हैं जो कि अपना हैंडराइटिंग नोट्स में, तो आप लोग अगर उस टाइप के करंट पढ़ना चाहेंगे तो आप जाकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन जो कि सी बनेगा, ठीक है, नरसिंह, ठीक है, नरसिंह यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, जिनको हाल ही में दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली यानी एयर क्वालिटी जो है AQI AIMS और एयर प्रवाह ऐप किसने लॉन्च किया? एयर प्रवाह ऐप को किसने लॉन्च किया? दो ऐप है यहाँ पे, AQ AIMS और एयर प्रवाह ऐप को किसने लॉन्च किया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति जिनका नाम है ओलेग कोनोनेको, कोनोनेको का संबंध किस देश से है? नाम भी याद रखिएगा, क्वेश्चंस हो सकता है घुमा करके पूछ लिया जाए, तो इनका संबंध रूस से होता है, ठीक है, रूस से है, ओलेग कोनोनेको जो है रूस से है। हाल ही में पुनः सक्रिय हुआ किलाउला ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? किलाउला जो ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है? तो किलाउला ज्वालामुखी का संबंध हो जाता है, राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी, यूएसए में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में यूएन के WSIS 2024 चैंपियंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सी डॉट, ठीक है, सी डॉट को हाल ही में चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हाल ही में भारत सरकार के दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सी डॉट, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेली मैटिक्स, ने सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अल्ट्रिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र का ये चैंपियंस पुरस्कार जो कि जीता है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया। बायोफार्मास्यूटिकल जो गठबंधन है किस देश के साथ भारत ने किया, तो ये गठबंधन अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में किस नियामक संस्था ने निवेशकों के लिए सारथी 2.0 ऐप लॉन्च किया। सारथी 2.0 जो मोबाइल ऐप है लॉन्च किया है किसने, तो सेबी ने इसको लॉन्च किया, सेबी ने ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि दुनिया का तीसरा और देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे कहाँ शुरू किया गया। देखिए ये दुनिया का तीसरा होगा और देश का पहला, यानी भारत में दुनिया का तीसरा हो जाएगा, और अगर बात करें कि भारत में तो ये पहला होगा अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे, तो ये वाराणसी में जो कि शुरू किया जा रहा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ की है। अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ की है, तो कासा को प्रारंभ किया गया दक्षिण कोरिया के द्वारा, दक्षिण कोरिया ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग का संबंध किस देश से है, मतलब कहाँ से है ये फिलेमोन यांग का संबंध है किससे, तो राइट आंसर बनेगा कैमरून से, ठीक है, कैमरून यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। हाल ही में इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है। तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, फ्रांस के साथ, ठीक है। जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ, तो फ्रांस के साथ। देखिए क्वेश्चंस ऐसे पूछा जा सकता है कि तृष्णा मिशन का संबंध किससे है, तो जलवायु डेटा के लिए ही है, भारत और फ्रांस इसमें सहयोगी है। हाल ही में किस देश के माउंट कनलाउन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। कनलाउन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ये जो माउंटेन है जिसमें विस्फोट हुआ ये आपका पड़ता है फिलीपींस के अंतर्गत, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलीपींस। नेक्स्ट है कि हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया, और ये भारत के चौथे व्यक्ति बने, सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बने हैं EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा विलियन सुबेया, विलियन सुबेया ऑप्शन सी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारतीय उद्यमी विलियन सुबेया को मोनाको के सेल डैस एटोइल्स में आयोजित एक समारोह में इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। 24 साल के इतिहास में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले चौथे जो कि भारतीय बन चुके हैं। किस युवा टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा कि फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो पुरुष एकल जीतने वाले हो जाते हैं कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के, और महिला एकल की बात करें तो महिला एकल इगा स्वेटेक ने जीता है, ठीक है, इगा स्वेटेक जो कि पोलैंड की है। हाल ही में चर्चा में रहा आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, आत्मकथा का नाम है ऑटोबायोग्राफी सोर्स कोड माई बिगिनिंग का संबंध किससे है, किसकी आत्मकथा है, तो ये हो जाता है बिल गेट्स की, ऑप्शन ए होगा बिल गेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले पेपर के लिए, इसको अच्छे से याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स अपनी बहुत ही प्रतीक्षित आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग को लॉन्च करने वाले हैं, और ये 4 फरवरी 2025 को ये पुस्तक बाजार में आने की संभावना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात आता है कि हाल ही में आर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन बना है। आर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन बना है, तो राइट आंसर बन जाएगा 42वां सदस्य देश के रूप में अगर हम बात करें तो स्लोवाकिया हो जाएगा, और 41वां जो आपका पेरू था, ठीक है, 41वां पेरू है और 42वां स्लोवाकिया। और यहाँ पे आर्टेमिस समझौता की बात करें तो ये 2020 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 2020 में नासा और 7 अन्य देशों के द्वारा स्टार्ट किया गया था।
नेक्स्ट आता है, हाल ही में एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे सेबी, ऑप्शन बी होगा सेबी। हाल ही में भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता है? तो सुमित नागल का संबंध टेनिस खिलाड़ी से है और ये हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब इन्होंने जीता है। किस देश में आयोजन किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए होगा। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की मौजूदगी के सबूत मिलने के कारण उत्तर प्रदेश में एक नया बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में स्थित जो ये आपका सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य है, भारत नेपाल की सीमा पर इतना किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, एक घटना जहां कीमतें आपूर्ति और मांग में बदलाव के अनुसार जल्दी से समायोजित हो जाती है, उसे चिपचिपी मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने का वाली इगा स्वेटेक किस देश की खिलाड़ी है? तो इसका सही आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इगा स्वेटेक का संबंध किस देश से है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 26 का सही आंसर क्या होगा। भारत के किस युवा टेनिस खिलाड़ी ने हेलब्रॉनर नेकर कप टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो ऊपर में डिस्कस किए थे हम लोग, सुमित नागल जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 जारी किया गया, जिसमें शीर्ष स्थान वापस से आइसलैंड को मिला। आइसलैंड यहाँ पे टॉप पर रहेगा। और सेकंड रैंक की बात करें तो सेकंड रैंक हमारा आ जाता है आयरलैंड का सेकेंड रैंक, और थर्ड रैंक ऑस्ट्रिया का। ठीक है, थर्ड रैंक ऑस्ट्रिया है, ना कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया का। और उसी तरह से अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि भारत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा पेपर के लिए, तो 116वां रैंक इसमें मिला है, भारत को 116वां स्थान दिया गया। एशिया में सबसे शांत की बात करें तो एशिया में सबसे शांत जो है आपका पीस इंडेक्स में टॉप पर रहा, ये सिंगापुर। और वैसे अगर विश्व में बात करें तो विश्व में इसका स्थान पाँचवा है, सिंगापुर का विश्व में पाँचवा स्थान, लेकिन एशिया में टॉप है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024 प्रारंभ किया है? तो देखिए, जिमेक्स की बात करें तो पता ही होगा आपको, जापान के साथ हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। और इसमें याद रखना है कि जापान के योकोसुका में शुरू हुआ। ठीक है, योकोसुका में। नेक्स्ट है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल यानी जेंडर गैप सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? जेंडर गैप जो कि हाल ही में जारी किया गया, इसका रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत को 129वां स्थान दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में गेल इंडिया ने 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ पर यह स्थापित किया जाएगा? इथेन क्रैकर परियोजना जो स्थापित किया जाएगा वो मध्य प्रदेश में लगेगा। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का संबंध किससे है? तो राजीव तारानाथ का संबंध सरोद से होगा, ऑप्शन डी सरोद। नेक्स्ट वन आता है कि हाल ही में वार्षिक खीर भवानी मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? तो खीर भवानी मेला जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की? तो हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका बी राजीव, ऑप्शन डी। हाल ही में ओम बिरला किस सीट से 20 वर्षों में सांसद के रूप में फिर से चुने जाने वाले लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं?
तो ओम बिरला का संबंध होगा कहाँ से, इन्होंने सीट जीता है कोटा से, ठीक है, कोटा ऑप्शन सी। हाल ही में खबरों में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य को चीतों के लिए नया आवास बनाने के लिए तैयार किया है। केन्या और दक्षिण अफ्रीका की टीमों ने साइट का मूल्यांकन किया और अन्य बाघ अभयारण्यों से शिकार जो जानवरों को स्थानांतरित यहाँ पे किया जाएगा। तो जिमेक्स 2024 जो है कहाँ पर, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि भारत और ये जापान का है, होगा कहाँ पर? योकोसुका में, जापान के योकोसुका में, ऑप्शन बी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका 2025, ऑप्शन बी 2025 को, ठीक है। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। 7 जून 2024 के 24 को लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य जन जागरूकता बढ़ाना, युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और क्वांटम विज्ञान अनुप्रयोगों का समर्थन करना। इसके अतिरिक्त 2025 को सहकारिता, शांति और विश्वास तथा ग्लेशियर संरक्षण के लिए भी नामित किया गया था, जबकि 2024 में ऊँटों का उत्सव मनाया गया, यानी ऊँटों का उत्सव मनाया गया। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जनरल मनोज सिंह पांडे की जगह सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। तो ये रहा आज का पूरा वीकली घंटे बस, जो कि हमने 7 जून से लेकर के 14 जून तक के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे आपके पेपर के लिए, वो सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके रखिए। अगर इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में इस तरह के करंट अफेयर्स के साथ। बाकी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ आती रहती हैं रेगुलर बेसिस पर, आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।